हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आपको मिलाती हूँ टर्बो कोको कैंडी से, क्योंकि मॉली बाहर है। टर्बो यहाँ पर लाइट ले रहा है और उसकी यहाँ से बाहर आने की कोशिश भी चल रही है, तो उसको जो उसका काम है वो करने देते हैं। और यहाँ पर कैंडी है और कोको, और मॉली बाहर है। मॉली बाहर क्यों है, इसके ऊपर हम लोग जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। मतलब इन लोगों को अलग क्यों रखते हैं, इसके ऊपर वीडियो आएगा। एक मेन मतलब बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है वो भी, और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है इन लोगों को बाहर मतलब अलग अलग रखने का, तो वो वीडियो में पता चल जाएगा। उसके ऊपर हम लोग जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये है, इस तरह से ये लोग कर रहे हैं अपना, मतलब इसका चल रहा है आराम, इसका भी थोड़ा बहुत आराम चल रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, आधा घंटा बाकी इन लोगों को खाने के लिए। मतलब अभी देख सकते हो 12:30 बजने वाले, 5 मिनट बाकी है। तो 1 बजे इनका खाने का टाइम होता है, तो अभी इनको पानी में रखा है। आधा घंटा वेट करने के बाद इनको खाना मिलेगा। तो इसका अभी से चालू हो गया है हाथ पैर मारना, और मौली बाहर है, मौली आराम कर रही है। ये रात भर पानी में था और सुबह से लाइट भी चालू है, तो सुबह से इसको आराम से लाइट में रखा है। अभी खाना खाने के बाद मौली को इसमें रखेंगे और इसको बाहर छोड़ देंगे। तो ये वापस से रात में इसको पानी में छोड़ेंगे। तो इनको इनका काम करने देते हैं और मैं चलती हूँ अपने काम पर। मैं आज कुछ काम करने वाली हूँ, मतलब प्लांट्स का ही थोड़ा बहुत इधर उधर करने वाली हूँ प्लांट्स को, और कुछ थोड़ा बहुत काम करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पानी का अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है प्रॉब्लम। अभी भी थोड़ा बहुत पानी का इशू हो रहा है, वही पाइपलाइन ही टूट गई थी इसके वजह से ही वो प्रॉब्लम हो रहा है। पानी आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, और मतलब हम लोगों के लिए इनफ है। उसी दिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी ठीक है, अभी तो है पानी आ रहा है। मतलब हमें और हमारे टर्टल्स के लिए जितना चाहिए उतना पानी है हमारे पास, इनफ है हम लोगों के लिए। तो चलते हैं, क्या काम करने वाली आज वो दिखाती। तो ये जो बॉटल्स है, ये मतलब मनी प्लांट्स की कटिंग मैंने इन बॉटल में लगाई, छोटी छोटी बॉटल्स है। तो ये पहले बाहर थी, मतलब यहाँ पर थी कॉर्नर में विंडो में, तो मैंने इनको अंदर ले लिया, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी सिंक के वजह से ना, मुझे बार बार वो निकाल के अंदर पानी साफ करने में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अब देख सकते हो वहाँ पर ये सिंक होने की वजह से मैं वहाँ पर ना बार बार नहीं जा पा रही थी, और इनका पानी भी चेंज करने में प्रॉब्लम होता था मुझे। इसके यहाँ पर खड़े होके मुझे चढ़ के वहाँ से बॉटल निकालनी पड़ती थी। तो मैं सोच रही हूँ इनको अंदर ही रखूँ, तो अंदर मैं कहाँ रखने वाली हूँ वो भी बताती हूँ। तो ये जो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मैं इनको टांगने वाली हूँ। वहाँ पर एक छोटी सी खील है, तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर इनको यहाँ पर टांग दूँगी। और एक था इस तरीके से, तो वो निकल के गिर चुका है, बाद में लगाऊंगी उसको। तो इस वाली दीवार पे मैं ये बॉटल्स को लगाने वाली हूँ, और मैंने इनको ना साफ करके पानी वानी चेंज करके इनकी जो खराब रूट्स थी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कुछ रूट्स, तो वो मैंने काट दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो दोबारा से बढ़ जाती है। तो मैं इनको टांगने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आज घर पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब पे गए, तो अकेली हूँ, मैं अकेली वीडियो बना रही हूँ। तो मैं डरे लगाते टाइम नहीं दिखा सकती, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, और वो भी पीछे जो बर्तन है प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, ज़्यादा बर्तन नहीं, थोड़े खाना खाने के बाद, क्योंकि अभी मेरा भी टाइम हो गया, मैं भी 1 बजे मतलब टर्टल्स को खाना देने के बाद खाना खाने बैठूंगी, तो सब साथ में ही साफ कर दूंगी। तो फटाफट से इनको लगाते, और ये जो सिंगोनियम है ना, मैं आज इसको सोच रही हूँ मिट्टी में लगा दूँ, क्योंकि ना इसमें भी एक प्रॉब्लम हो रही है, वो बताती हूँ बाद में, पहले इसको लगा देते हैं। तो ये देखो मैंने बॉटल्स को यहाँ पर टांग दिया है,
और ये जो गिर गया था ना उसको भी लगा दिया है, और दूसरा वाला मैंने मतलब थोड़ा नीचे लिया है, मतलब इनकी भी थोड़ी सी थोड़ी जगह चेंज कर दी है। और एक बनाऊंगी यहाँ पर नीचे लगाने के लिए, क्योंकि ये तीन में ही बनाया था मैंने, ये DIY पुराना वाला कार्डबोर्ड से, पुराना वेस्ट जो कार्डबोर्ड आता है उससे बनाया था। तो एक तो टूट गया शिफ्टिंग के टाइम पे, तो और एक बनाना है वो बाद में बनाऊंगी और यहाँ पे लगा दूंगी, तो वो बनाऊंगी तब वो भी दिखाऊंगी। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले भी ये जो बॉटल्स वाला था मेरा वो किचन में ही था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने उसको विंडो में रख दिया था, और वो भी ऐसी जगह पे रख दिया था कि मुझे पानी वानी चेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक छोटी कील लगाई है, तो उसकी हेल्प से वहां पर मैंने टांग दिया, तो अच्छा दिख रहा है। और किचन का भी अभी लुक चेंज कर रहा है थोड़ा, मतलब ये जो दीवार थी वो एकदम खाली खाली और एकदम अजीब ही लगती थी, तो अभी अच्छा लग रहा है। एक तो मेरा वहां पर है जो कि किचन और हॉल के बीच में जो ये विंडो कर्टन है उसके ऊपर मैंने विंडो कर्टन के हेल्प से ही विंडो कर्टन बोल रही, विंडो कर्टन के जो हुक आते हैं उसके हेल्प से मैंने वहां पर टांग दिया है। और अब ये आ गया यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है। किचन में ग्रीनरी होने से एक मूड भी फ्रेश हो जाता है, और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, दिखता भी अच्छा, और आपको एकदम फ्रेश फील भी हो जाता है। और प्लांट्स तो अच्छे ही होते हैं, सबको पसंद होते हैं, किसको पसंद नहीं, प्लांट सबको ही पसंद होते हैं। और सिंगोनियम का काम करूंगी खाने के बाद, क्योंकि कैंडी भी बहुत जोर जोर से आवाज कर रही है, उसको भूख लगी है। तो जो सिंगोनियम मैं बोल रही थी मिट्टी में लगाऊंगी, उसको मैं बाद में लगाती हूँ खाना खाने के बाद, मतलब उनको भी खाना देती हूँ और मैं भी खाना खाती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ भी देख लो, ये जो मेरा ग्लास मतलब ग्लास है, यहाँ पर कुछ कटोरी है, ये सब है कुछ, मतलब जो भी मेरे पास कप्स वगैरह, ये मग है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर मग से तीन मग है एक साथ में लगाया, यहाँ पे छोटे वाले कप है, वहाँ पर बड़े वाले ग्लास, छोटे वाले ग्लास, और ये कांच की बॉटल जिसमें LED लाइट है, जो दिवाली में यूज करते हैं ना वो वाली है, और वो भगवान का तेल है। तो ये इस तरह से है। और उसमें आया था एक एक्शन फिगर का वो बॉक्स है, तो वहीं पे होता है। तो ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अभी कैंडी और कोको को खाना देते हैं, क्योंकि उनका बहुत जोर जोर से आवाज आ रहा है, बहुत जोर से वो पीट रही है, उसको भूख लगी है। ये देखो, और टाइम भी बस 5 मिनट बाकी है, तो उनका चालू हो गया, उनको मतलब भूख लगती है, उनको टाइम बराबर से पता चल जाता है। अभी थोड़ी देर में मॉली भी बाहर आ जाएगी, वो कहाँ पर बैठती है, कभी इस वाले टेबल के नीचे, नहीं तो कभी वो टीवी का जो टेबल है वहां पर बैठती है। जैसे 1:30 बजता है, 1:30 के बीच में बराबर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका टाइम 1:30 बजे का, इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद मैं निकालती हूँ, मतलब हम लोग निकाल देते हैं इनको दोनों को, इसको बाहर निकालते और मौली को अंदर रखते, तो उसका टाइम 1:30 बजे का है, तो बराबर से अपने टाइम पे बाहर आ जाती है। और अभी इनको खाना देते, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। इसको देखो भूख लगा है, ये देखो देखो किस तरह से कर रही है, बस हाथ को ही देखती रहेगी। तो चलो इनको खाना देते हैं। तो मॉली मॉली सॉरी मॉली बोल रही हूँ, मॉली को नहीं, कैंडी कोको और टर्बो को मैंने खाना दे दिया है, वो खाना खा रहे हैं, तभी मैं भी बैठूंगी खाना खाने। लेकिन उसके पहले मैं इसको मिट्टी में क्यों लगा रही हूँ उसका रीजन बताती हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं लगाना था, मुझे इसको पानी में ही रखना था, मतलब इसको पानी में ही ग्रो करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही कि इसकी पत्ती की जो साइज है, मतलब जो भी नया पत्ता आता है वो पहले वाले पत्ते से छोटा है,
तो ये देखो, ये जब मैं लाई थी तो इसकी साइज इतनी बड़ी थी। अभी जो उसके बाद ये देखो, और उसके बाद ये देखो, मतलब हर एक पत्ता पहले वाले से छोटा छोटा होता जा रहा है, तो ये भी शायद से बहुत छोटा हो जाएगा। और ये मतलब ये एक पत्ता दिखाती हूँ, ये देखो ये तो खराब हो रहा है, शायद से इसको पानी में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अभी इसको मिट्टी में लगाऊंगी। तो ये मैं खाना खाने के बाद कर दूंगी, और मुझे आज प्लांट्स को भी पानी देना है, मतलब सबको ही पानी देना है। मैं हर 3 दिन बाद पानी देती हूँ, वहाँ तो 2 दिन के बाद देना पड़ता था, यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग बढ़ गया है, तो मतलब पता चल जाता है। जैसे आप अपने प्लांट्स को जिस तरह से पानी देते हो, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि कब उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो मुझे पता है इनको 3 दिन के बाद पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी बारिश उतनी नहीं हो रही है। बारिश में आराम से 1-1 हफ्ते के बाद, या 5-6 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही देती थी, नहीं तो 1-1 हफ्ते हफ्ते में एक बार ही देती थी, तो इस तरह से होता था। तो अभी मुझे पानी देना है, लेकिन उसके पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं इनको पानी दूंगी। तो फटाफट से अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको मिट्टी में लगाएंगे और प्लांट्स को भी पानी दे देंगे। तो मेरा सारा काम हो चुका है, और मैंने मॉली को भी खाना दे दे दिया है। तो अभी मैं ये सिंगोनियम का काम करूंगी, मतलब कि इसको मिट्टी में लगाऊंगी, इसी बकेट में लगाऊंगी, ये बकेट है इसी में लगाऊंगी। तो ये इसके लिए जो मैं मिट्टी यूज़ करने वाली हूँ, ये मैं ये जो मेरा टमाटर का पौधा है और मिर्ची का पौधा है, इसी की मिट्टी यूज़ करूंगी, क्योंकि ये उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं हो कर रहा है, मतलब ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे ना, एक मिनट दिखाती हूँ, इस तरह से ना कुछ वाइट वाइट सा हो रहा है, मतलब पाउडर जैसा कुछ आ रहा है, इसको शायद से मिलीबग बोलते हैं, या पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं, अगर मतलब मुझे ठीक से उतना पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, मतलब इसको क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों के साथ सेम हो रहा है, ये देखो इसके साथ भी वही हो रहा है, तो इनकी ग्रोथ ना रुक गई है, मतलब ठीक से ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। ये दोनों पौधे उसी तरह से है, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, काफी बड़ा हो चुका था यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बॉटल से भी बड़ा हुआ था, लेकिन ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, मतलब इसकी कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो उससे अच्छा मैं इसको निकाल के ये मिट्टी यूज करूंगी सिंगोनियम के लिए, तो वही अभी करूंगी, और इसको भी निकाल दूंगी, और इसको भी निकाल दूंगी, क्योंकि रख के कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो रख के फायदा ही नहीं है, तो मैं इसको निकाल दूंगी। तो मैं ये सब काम करने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आज मैं अकेले ही कर रही हूँ, तो एक हाथ के मतलब एक हाथ में कैमरा पकड़ के ये सब नहीं होगा, तो मैं ये करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं थोड़ा एडजस्ट करके दिखाने की कोशिश करूँगी, नहीं होता है तो पूरा होने के बाद ही दिखाती हूँ। उसके बाद हम सब मतलब मैं सब प्लांट्स को पानी दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को पानी नहीं दिया, सबको ही देना है, तो ये करने के बाद सबको साथ में ही दूंगी पानी। तो ये देखो इसके नीचे, मतलब ये जो बकेट है इसके नीचे मैंने होल कर दिया है, इस तरह से होल किए मैंने, और एक होल मैंने, हाँ यहाँ पर एक होल मैंने किया है। ओवर वाटरिंग अगर होती भी है तो फटाफट से इसमें से पानी निकल जाए, वैसे तो
मैं बहुत मतलब गैप के बाद पानी देती हूँ, 2-4 दिन के बाद ही पानी देती हूँ, मतलब जब पौधों को जरूरत होती है तभी पानी देती हूँ, मिट्टी जब सूख जाती है तभी पानी देती हूँ। वैसे तो मैं देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है, अगर गलती से ऊपर जो प्लांट्स है उसका पानी अगर नीचे इसमें गिर जाता है, क्योंकि ये बड़ा है और ऊपर जो प्लांट्स मतलब प्लांटर है वो छोटे है, तो उनको कभी कभी 1 दिन के बाद भी देना पड़ता है, क्योंकि उनकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है इसकी वजह से। तो उसका पानी इसके अंदर मतलब ड्रिप होके इसके अंदर भी गिरता है, तो इसको भी कभी कभार ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो वो उसके वजह से पौधा ख़राब ना हो इसके लिए मैंने ज़्यादा होल किए इसमें, और एक होल मैंने यहाँ पर भी कर दिया है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ड्रेनेज है वो अच्छी तरह से होगा, प्लांट हमारा आगे जाके ख़राब नहीं होगा। और इसको मैं एक्चुअली इसकी आप ग्रोथ देख सकते हो, तो ये जो सिंगोनियम है मैं इसको किसी और में लगाने वाली थी, मतलब पानी में रखने वाली थी, क्योंकि मेरे पास ना वहाँ पर ग्लास है, बड़े साइज़ के ग्लास है, तो मैं उसमें पत्थर डाल के, ये जो यहाँ पर पत्थर दिख रहे हैं ना, इनको डाल के मैं उसमें लगाने वाली थी, क्योंकि मुझे वो वैसे भी पानी में लगाना था, पानी में ग्रो करना था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं इसको मिट्टी में लगा रही हूँ। और इसको मैं इसमें लगाने वाली थी, क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, आप देख सकते हो बड़ा हो चुका था, तो ये जो है इससे निकाल के मैं इसी में लगाने वाली थी। ये हमारे कोको कैंडी का खाने का डब्बा है, बकेट में आता है, इस तरह से बकेट आती है उनके खाने की, तो साइज़ में भी बड़ा है, तो मैं इसको ये मिर्ची के पौधे को इसी में लगाने वाली थी, और टमाटर के पौधे को भी इसी में लगाने वाली थी। एक और इस तरह से मेरे पास है, मतलब अभी खाली हो गया है, तो उसमें मैं इन दोनों को लगाने वाली थी अलग अलग, लेकिन अभी इसकी इसके ऊपर इस तरह से कुछ पाउडर जैसा हो रहा है, तो ये पौधा ख़राब हो चुका है, तो अभी इसमें मैं सिंगोनियम ही लगाऊंगी, तो मैं फटाफट से इसमें सिंगोनियम लगा देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से नहीं होगा। तो ये लग के हो चुका है हमारा सिंगोनियम मिट्टी में, और ये टमाटर वाली अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा किसका था, कौन सी मिट्टी किसकी थी, क्योंकि निकाल दिया ना पौधा, तो मतलब एक ही बॉटल मुझे लगी है, और इसमें से बहुत थोड़ी मतलब इतनी इतनी मिट्टी मैंने ली है, एक ही में मेरा हो चुका है सिंगोनियम लगा के, तो ये मिट्टी मेरी बच गई है, ये मुझे कहीं और यूज़ हो जाएगी किसी और पौधे के लिए। तो अभी इसको भी बाहर रख देते हैं और सबको पानी देते हैं, अभी इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, तो चलो इसको रखते बाहर। तो इसको बाहर रखते हैं यहाँ पर, और अभी सबको पानी देते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने जैसे ही इसमें पानी डाला और इसमें पानी डाला, जैसे पानी डाला वैसे नीचे पानी टपकने लगा, तो इसी तरह से आपके पौधे की ड्रेनेज होनी चाहिए, तभी जाके आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से चलता है, नहीं तो अगर उसमें पानी थोड़ा भी पानी अगर रुकता है तो उससे जो आपकी पौधे की जो मतलब पौधा ख़राब हो सकता है। तो अभी मेरा सारे प्लांट्स को पानी देख के हो चुका है, और ये रहा हमारा वो सिंगोनियम जिसकी अभी हमने रिपोर्टिंग ही बोल सकते, तो वो यहाँ पर है।
और इस पे ना फिर से मंजरी आ गई है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो मैंने ना इस टाइम निकाला नहीं, क्योंकि मुझे ना इसके बीज चाहिए, क्योंकि ये जो तुलसी है ना, ये वाली, ये आप देख सकते हो नीचे से पूरी तरह से सूखी है, और ऊपर ऊपर से जो पत्ते वो भी एकदम ऊपर की तरफ है, यहाँ पर कुछ भी पत्ता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके जो बीज है वो निकाल के फिर से इसी में डालूँगी। तो इसके लिए इस टाइम मैंने जो ये मंजरी है यहाँ पर एक आई और यहाँ पर है, तो मैंने तोड़ी नहीं है। तो सॉरी आवाज़ आ रहा है, क्योंकि ये देखो इस तरह से टैंकर आते हैं यहाँ पर पानी के लिए, वही पानी का प्रॉब्लम है इसके लिए। अभी सब इस तरह से टैंकर मंगाते हैं, तो उसी का आवाज़ है ये। तो और ये दो जो मेरे अंदर थे ना, अभी मैंने देखा कर्टन रोड पे लगाया हुआ मनी प्लांट था, वो भी मैंने यहाँ पर लाके उसको भी पानी दे दिया है। तो इन दोनों को तो मैं कर लूँगी अंदर, अभी यहीं पर रहने दूँगी। यहाँ से देख लेना इस तरह से यहाँ पर ना पानी मंगाते हैं लोग, क्योंकि भाई पानी का अभी तक इशू जो है वो अभी तक नहीं हुआ है सॉल्व, अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने ये सब इतना सब पानी भर के रखा है, इसमें ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी, ये देखो ये जो दो डब्बे रहते हैं ना, ये डब्बे, ये इसमें सब सामान था, ये मैंने निकाल के इसमें भी पानी भर के रखा, उसमें पानी है, ये कुकर में भी पानी है, बस ये वाला जो और पतीला यही वाला खाली है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब मैंने पानी इसमें भर के रखा है, और यहाँ पर भी है, तो इसमें भी पानी मैंने भर के रखा है। तो इसको मैंने साफ़ नहीं किया, क्योंकि पानी उस दिन आया था, तो फटाफट से मैंने एक्चुअली इसको मैंने पैक करके रखा था, तो मैंने फटाफट से निकाल के बस थोड़ा साबुन से इसको साफ़ करके इसमें पानी धो दिया, सॉरी धो के सीधा पानी मैंने इसमें भर दिया था, क्योंकि फिर से दो दिन पानी नहीं आने वाला है ऐसा उन्होंने बोला था, तो इसके लिए उतना टाइम नहीं था कि इसको अच्छी तरह से घिस के साफ़ करें। इसको मैंने पैक करके रखा था, तो फटाफट से निकाल के इसमें भी मैंने पानी भर दिया है। तो इस तरह से अभी तक पानी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक पाइपलाइन का काम चल रहा है। आज तो नहीं कल आया था पानी, आज नहीं आया है और कल भी नहीं आएगा, सीधा परसों पानी आने वाला है। तो इसके लिए इतना सब भर के रखने की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो ये सब मैं इतना भर के नहीं रखती हूँ, जो ऊपर मेरा टैंक लगा है मतलब है वो उसी में हो जाता है, और अंदर जितने भी मतलब बर्तन है, बाल्टी वाल्टी वो सब है, टब वगैरह, उसमें मेरा हो जाता है। तो अभी दो दिन नहीं आने वाला है, तो इसके लिए ये सब भर के रखना पड़ेगा, मतलब पड़ा ही है, भर के रखा है, तो इतना सब नहीं लगता है। और ये जो मेरा पानी है मतलब ये मैं भर के रखती हूँ, तो ये मुझे यूज़ भी नहीं होता है। ये मैंने जब पानी का प्रॉब्लम हुआ था, ये टाकी, ये जो टंकी है, जब पानी का प्रॉब्लम अभी हुआ था तभी मैंने निकाली थी, नहीं तो ये ऐसे ही रहती छः छः महीना, मैं निकालती भी नहीं, मुझे यूज़ भी नहीं होता है उतना पानी। जब इस तरह से प्रॉब्लम होता है तभी लगता है, तो मैं ये तो मैं भर के रखती हूँ एमरजेंसी के लिए, जैसे उस दिन यूज़ हो मतलब यूज़ हुआ था। तो ये जो मैंने इस तरह से एक मतलब ये जो वॉल है इसका जो मैंने थोड़ा सा लुक चेंज किया है, तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अच्छे से ब्लॉग के साथ, या वीडियो के साथ, या टर्टल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।